सचिवालय के 500 मीटर दूर इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह के अपार्टमेंट के नीचे मंगलवार शाम हत्या कर दी गई और इसके बाद से प्रदेश में सियासत और गर्मा गई है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार पर लगातार विपक्ष जो है लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है और इस बीच इस तरीके से जब इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या हुई इस पर भी अब जो है सियासी पारा खूब चढ़ रहा है और विपक्ष जमकर सरकार पर हमला बोल रहा है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस के अधिकारियों को 48 घंटे की मोहलत दी है। 48 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस को मिला है कि जल्द से जल्द इसी बीच इस 48 घंटों में अपराधियों की गिरफ्तारी हो और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसकी गिरफ्तारी की जाए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस हत्याकांड के बाद अब SIT और STF दोनों के टीम का गठन किया गया है जिससे जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अल्टीमेटम के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और इसी कड़ी में जब ADG से मीडिया ने बात की रुपेश सिंह हत्याकांड पर, तब सुनिए पुलिस मुख्यालय में ADG जितेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा। ये शहरी क्षेत्र में घटित घटना है और पटना में घटित घटना है, तो इसको उतनी ही संवेदनशीलता से और उतना ही सीरियसली जो है इसको हमने लिया है और उम्मीद है कि शीघ्र ही हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे और जल्द से जल्द इसका हम खुलासा कर सकें। प्रशासनिक जांच भी जो है हमारे जो है अनुसंधान के अलावा प्रशासनिक जांच भी हमारे दायरे में रहेगी और उस पर भी जो हम देखेंगे कि कहीं से कोई जो है कमी तो नहीं रही, यदि कोई कमी रही होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि घटना स्थल का जायजा लेने बीते दिन पटना के SSP उपेंद्र शर्मा भी गए जहां पर उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की और घटना स्थल का जायजा लिया और साथ ही साथ क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। समासादी घटना है, एक रुपेश कुमार है, इंडिगो में मैनेजर थे, उनको गोली मारी गई है, वहाँ भी हमारी टीम कैंप कर रही है। अभी तक इतना ही इन्फॉर्मेशन है, कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, अभी देखने वाले नहीं बताए हैं और ऑफिस से जब ये लौटे तब की घटना है, बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। तो जैसा कि साफ है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अल्टीमेटम के बाद से, जैसा कि उन्होंने कहा है कि 48 घंटे में हत्यारों को पकड़ा जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए, उनकी गिरफ्तारी हो और उनके आदेश के बाद से अब पुलिस महकमा और सचेत हो गया है और उनके निर्देश का पालन करने के लिए STF और SIT की गठन की गई है और इस टीम की गठन के बाद से अब हत्यारों की तलाशी की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस टीम का गठन भी हो गया है और साथ ही साथ अब हत्यारों की जो है तफ्तीश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अब रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद से सूबे में सियासत भी गर्मा गई है, लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने में लगा है और इस बीच जो है अब 48 घंटे का मोहलत CM नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को दिया है। ऐसे में ये खुद में एक चैलेंज होगा पुलिस अधिकारियों के लिए कि वो जल्द से जल्द CM के निर्देश का पालन करने के तहत अपराधियों को 48 घंटे के भीतर पकड़कर उन्हें सबके सामने लेकर आए।